कि हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि सेफ्टी के मेजर फ्रॉम फैलिंग डाउन इनटू क्राइसिस यू नीड इन इंडिया सेफर ड्यूरिंग दिस मंथ दिस टाइम्स निकाल के यहां पे हमारे इस इवेंट को आई वुड लाइक टू तो इस बार सरकार के निर्देश हैं और इस किस्म के कार्यक्रम बनाए गए हैं कि ये सारे कार्यक्रम एक महीना चलेंगे और मोटिव तो वही रहेगा कि एक्सीडेंट कम हो और कीमती जानें बचें। तो उसके सिलसिले में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज सब लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे SSP साहब आए हैं, एडिशनल DC, AC और सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। कॉलेज के बच्चे हैं, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर हैं और हमारी ARTO हैं। सबका एक ही मोटिव है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए और ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ट्रैफिक रूल का पालन करने से जान बच जाती है। और जो पिछले एक साल के अंदर कोशिशें यहाँ हुई हैं पुलिस की, ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, उसके कारण भी यहाँ एक्सीडेंटों का ग्राफ कम आया है, कम हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें पूरा हमारा साथ देंगे और हम आने वाले समय में लोगों की जानें बचा पाएंगे। धन्यवाद। न्यू बस स्टैंड के लिए ये है कि अवेयरनेस हमने पहले भी पैदा की थी, गाड़ियाँ खड़ी होनी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद कोविड आ गया, चुनाव आ गया, तो वो मुहिम बीच में ही रह गई। तो इस महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे, मैंने वहाँ स्टेज से बोला है कि हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि ये गाड़ियाँ हैं लॉन्ग रूट की, जम्मू कठुआ रूट पर चलती हैं, वो बस स्टैंड के अंदर जाएँ और जो भी वहाँ पर सुविधाएँ हैं उसका फ़ायदा लें और वहाँ से ही चलाएँ ताकि रोड के ऊपर और बाज़ार में कंजेशन ख़त्म हो जाए। और जो प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करने बंद कर दें। थैंक यू सो मच। इस बार हमारा रोड सेफ्टी वीक नहीं है, रोड सेफ्टी मंथ है जो कि स्टार्ट हो रहा है आज 18 जनवरी से। आज हमने सबसे पहले रैली इनॉग्रेशन की है, हमने अलग अलग वॉक से पार्टिसिपेंट को अपने साथ इन्वॉल्व किया है, हमने NSS कैडेट्स, NCC कैडेट्स, सिविल डिफेंस के, उसके बाद पुलिस के, ट्रैफिक के, सभी अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व किया है। आज हम उनकी रैली निकाल रहे हैं, इसके बाद भी हमने हर एक दिन के लिए एक्टिविटीज़ पूरा महीना के लिए प्लान कर दी हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट के हर नोक एंड कॉर्नर में जाके लोगों को जागरूक करना है और उनको महत्वपूर्ण समझाना है कि क्या महत्व है सेफ्टी का। और हमने सिर्फ प्रीच उनको ये उनका उनको सिर्फ मुंह से बोलने का नहीं होना चाहिए, प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए रोड सेफ्टी रूल्स को। जैसे खाना ज़रूरी है, उतना ही हमारे पास रोड सेफ्टी के रूल्स भी हमारी लाइफ में उतने ही ज़रूरी होने चाहिए, उनको लागू करना चाहिए ताकि इतने ही ज़रूरी हो कि हमने एक जान बहुत कीमती है। एनुअली एक्सीडेंट डाटा देखें तो 1.50 मिलियन लोग जो रोड एक्सीडेंट्स की से मरते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है नेशनल हाईवे के आगे पीछे ही बसा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं एक्सीडेंट्स होने के, तो इसलिए हमने अपने लोगों को जागरूक करना है।